हेलो एवरीवन, काफी लंबे समय के बाद आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आजकल के समय में जब COVID-19 की वजह से सब तरफ काफी तकलीफें हो रखी हैं, उस समय पे COVID-19 जो कि एक ग्लोबल पैंडेमिक है या वैश्विक महामारी है, उस समय हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाह रही हूँ अपने इस छोटे से वीडियो से। जैसा कि आप जानते ही हैं वैसे तो, कि जो महिलाएं ऑलरेडी हमसे जुड़ी हुई हैं, यानी जैन सर्जिकल अस्पताल से जुड़ी हुई हैं और रेगुलर अपने गर्भ के दौरान हमसे ट्रीटमेंट ले रही है, उनसे तो हम रेगुलर वैसे भी टच में बने हुए हैं, बट कुछ बातें जो इस दौरान मुझे देखने को मिली जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम कब हॉस्पिटल दिखाने जाएं, कब हॉस्पिटल दिखाने के लिए ना जाएं, यह ज़रूरी है। अभी पेशेंट्स को लगता है कि रेगुलरली मैडम आप देखें हमें, हर कुछ कुछ दिन में देखें, आप हमें क्यों नहीं बुला रहे, तो उस सब के लिए एक जवाब मैं ये देना चाह रही हूँ कि अपने घर में ही रहें, वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ है इस टाइम पे। जैसा कि हमारे देश में सब लोगों को कहा भी हुआ है, लॉकडाउन भी है, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकले। लिमिट योर हॉस्पिटल विजिट्स, मतलब अस्पताल में जाके इन पर्सन डॉक्टर से मिलने की इतनी इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी अपने को ना आए। इसका कारण यह है कि जितना आप घर से कम बाहर निकलेंगे आपको उतना कम संभावना है इन्फेक्शन लगने की। हम लोग तो वैसे भी रेगुलर बेसिस पे इमरजेंसी सेवाएं दे ही रहे हैं, जो भी माताएं बनने वाली हैं या जिनको भी कोई समस्या है उनको आज भी हम देख रहे हैं, उनके सब काम अस्पताल में चल रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो अपने घर से ना निकलें। इवन अपने घर पे यदि आपके कोई रेगुलर बेसिस पे मेड्स आ रही हैं जो कि बहुत घरों में जाती हैं, सफाइयों के हिसाब से आपके भी आ रही हैं, उन्हें ना बुलाएं। घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस समय यदि अपन बीमार होते हैं तो अपने साथ गर्भ में एक दूसरा शिशु भी है जो हमारे साथ ही रहता है पूरे समय, और उसका ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। यह सब देखते हुए भी यदि अस्पताल आना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात है, तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। खांसी, जुखाम, बुखार, यदि ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है तो गवर्नमेंट ने इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, पहले टेलीफोन से उनसे बात करें और फिर उस सेंटर पे जाके दिखाएं, क्योंकि आप गर्भावस्था में हैं या नहीं हैं, दोनों ही केसेस में COVID-19 का संक्रमण होने के चांसेस इक्वल ही हैं। स्पेशल कुछ ध्यान उन माताओं को रखना है जो अभी हॉटस्पॉट एरियाज में रहती हैं या उन एरियाज में हैं जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यदि आप अगले कुछ दिनों में, 5 दिनों में या 7 दिनों में माँ बनने वाली हैं, तो आगे ओके हेल्पलाइन नंबर पे बात करके हमें कैसे कैसे जब दर्द शुरू हो क्या करना है, इस बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। हमें डरना नहीं है मगर सावधान रहना है इस बारे में। कुछ एक बातें, अब क्योंकि ये एक नई बीमारी है तो सब डॉक्टरों ने मिलके जो कुछ एक बातें गर्भावस्था के बारे में और COVID-19 के बारे में जानी है, उसमें यह है कि एक तो अपने घर में रह के घर का ही खाना अपने को खाना है। वैसे भी लॉकडाउन के कारण बाहर का खाना बंद है, मगर घर में भी स्वच्छ निर्मल खाना हम खाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें और गुनगुना पानी पिए। वैसे आज के टाइम में भी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और स्टडीज के हिसाब से अंडे खाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात अब की, यदि हमें लेबर पेन शुरू हो ही जाता है तो क्या ऐसे समय में हमें कोई दिक्कत आएगी? तो ये बात सही है कि COVID-19 होना सिजेरियन डिलीवरी कराने का कोई इंडिकेशन नहीं है। यदि आपको COVID-19 है तो आज के समय में भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है और बच्चा संक्रमित होके ही निकलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन जब बच्चा बाहर आएगा तब वहाँ पे जो तैनात स्टाफ है वो आपको सब समझाएगा, हम एक हेल्दी बच्चा पा सकते हैं। अंत में मुझे बस यही कहना है कि हमें इस समय अपनी सरकार का साथ देना है और थोड़ा समझदारी से ध्यान रखना है। घर में रहें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।